ये लठ तो नेताओं के लिए है सर, जो भी नेता आएंगे ना आटा कांग्रेस बीजेपी के, उनको ये लठ चेपेंगे। नमस्कार, न्यूज लिंगा को स्वागत है, मैं हूँ मुकुंदर। अभी हम मौजूद हैं चुरू जिले में। चुरू जिला में जो तारानगर विधानसभा है वो आज के समय में राजस्थान की कई बीआईपी सीटों में से एक बीआईपी सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो तारानगर विधानसभा सीट से भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर और जो कांग्रेस की तरफ से है वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद कई बार रह चुके पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह बुड़ानिया है, जबकि माकपा की तरफ से जो सीपीएम पार्टी की तरफ से निर्मल प्रजापत है जो चुनावी मैदान में है। लेकिन हमारा यहाँ आने का कारण ये नहीं था जो सिर्फ ये दो बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कारण था क्योंकि बीते दिनों जो फसल बीमा क्लेम में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर इस पूरे इलाके में एक बड़ा लंबा आंदोलन चला, 4 महीने से अधिक का पूरा आंदोलन चला, जिसमें 4 महीने तक किसान चुरू कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहे और कई किलो एक लंबी यात्रा तय करके किसान पैदल तारानगर से चुरू कलेक्ट्रेट तक लॉन्ग मार्च करते हुए गए थे। तो हम इस पूरे इलाके में खास तौर पर जो फसल बीमा में जो गड़बड़ियाँ हैं, किसानों की जो समस्याएँ हैं, उसे समझने के लिए यहाँ आए थे और उनसे बात करके समझने का प्रयास किया जो फसल बीमा क्या दिक्कतें हैं, इसके अलावा किसानों के सामने और क्या क्या चुनौतियाँ हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। सर, फसल बीमा के लिए हमारे मिलता है, लेकिन ये किसान सभा के जो हमारे नेता हैं वो कोशिश करते हैं उसके कारण मिलता है। उसमें हम बहुत संघर्ष करते हैं, बार बार सड़कों पर जाम लगाना पड़ता है। हमारे ज़िले में चुरू में जहाँ हम काम करते हैं, यहाँ पे जब से हमने किसान सभा में काम किया, सबसे पहले तो लोगों का कन्फ्यूज़न जो है कि ये योजना मोदी जी लेके आए हैं वो मैं दूर कर देता हूँ। 2004-05 में ये योजना शैशवावस्था में देश में शुरू हो गई थी और हमने इस योजना के माध्यम से चुरू ज़िले के किसानों को 2007-08 में इसका लाभ दिलवाना शुरू कर दिया था। हमारे इस इलाके में अब की बार बगैर जातिवाद के चुनाव हो रहा है। मुख्य मुद्दा यहाँ का किसानों का है, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे MSP का मुद्दा हो, इन है ना 4 मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। हमारे भी समझ में 2011 में आई जब यहाँ पे खरीफ फसल में बहुत बड़ा एक खराबा हुआ, बादल फटने की स्थिति हुई थी, खरीफ की फसल मोठ मूंग जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे, क्लेम नाम मात्र का बना। उस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी, मौसम संदर्भ केंद्र लगे हुए थे। उसके अगले वर्ष 2012 में हमने उन मौसम संदर्भ केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग के करने के बाद जब हमने ये पाया कि -4 डिग्री और 3 डिग्री तक भी टेम्परेचर गया हुआ है, हमने जब क्लेम अपने हिसाब से उनके बताए हुए अधिसूचना में बताए हुए फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया तो जितना क्लेम बढ़ना चाहिए था उतना किसानों के खातों में नहीं आया। इस इश्यू के लेके हमने प्रोटेस्ट शुरू किया कि आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। किसान बीमा क्लेम के लिए पिछले लड़ तो रहा है 10-15 साल से, लेकिन पिछले 1.5 साल से बीमा क्लेम के लिए किसान रोड पे लड़ता है और 28 मई से लेके चुरू में कलेक्ट्री के आगे धरना दिया, महापड़ाव लगाया, कलेक्ट्री जाम की, कलेक्ट्री के अंदर घुस गए, तब उन्होंने जाके ये 2021 का बीमा क्लेम तैयार किया। ये नेता जो बुड़ानिया जी, राठौड़ जी, ये बड़े नेता हैं, कहाँ गए थे वो? यहाँ तारानगर में पिछले कम से कम 10 या 12 साल से संघर्ष चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तब जाकर के फसल बीमा का कुछ लाभ किसानों को हुआ है। तो उन्होंने, हमारे कलेक्टर थे उस समय रोहित गुप्ता, उन्होंने बीमा कंपनी और मौसम संदर्भ केंद्र की कंपनी थी NCMSL, बीमा की कंपनी थी उस समय ICICI लोम्बार्ड, तो इन दोनों से वो डाटा मंगाए, तो जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में डाटा थे उसमें और ऑन पेपर डाटा में बहुत बड़ा डिफरेंस था। प्रोटेस्ट हुआ, अंत में जाकर के हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो मान्य हुई। उसके बाद में जब अधिसूचना जारी हुई तो पहले मौसम आधारित फसल बीमा योजना में -0 डिग्री के ऊपर फुल क्लेम किसान का बन जाता था। अगले वर्ष जब अधिसूचना जारी हुई तो इन्होंने बढ़ा करके जो टर्म एंड कंडीशन जो थी वो बदलते हुए -1 डिग्री कर दी। -1 डिग्री टेम्परेचर भी चला गया क्योंकि ये चुरू ज़िला है, यहाँ सर्दी और गर्मी जो है दोनों ही प्रसिद्ध है यहाँ की। उसके बाद में फिर अगले वर्ष जब अधिसूचना जारी की तो -0.7 डिग्री कर दिया। फिर उससे अगले वर्ष जब अधिसूचना जारी हुई तो -2.60 डिग्री एवरेज टू डे
ये रूल करके कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों की जो अप्रोच है वो बहुत ऊंची है, दिल्ली और जयपुर में बैठे हुए लोगों तक इनकी पहुंच है, वहाँ से ये अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फार्मूला अधिसूचना के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से ये सेट कर लेते हैं। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, आज से 4-5 महीने पहले लगातार आंदोलन चला, 6 अक्टूबर को ही फसल बीमा आंदोलन का समझौता हुआ है और खरीफ 2021 का इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा बीमा क्लेम पहले सेटेलाइट से दिया, सरकार ने मानना पड़ा कि क्रॉप कटिंग पे ही बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाएगा। अब की बार यहाँ पर किसानों के मुद्दे पे मुख्य रूप से इस आंदोलन का प्रमुख एजेंडा है। ये बड़े नेता इनकी कंपनी के साथ में मिली भगत है, ये तो हमारे तो किसान सभा के लोग कॉम्रेड लोग हैं, तो हमारा ये काम करते हैं, बीमा का करते हैं, पानी की लड़ाई लड़ते हैं, रोड की लड़ाई लड़ते हैं, इस नहर की लड़ाई लड़ते हैं। अब लोग कहते हैं ये बड़े नेता कि आपने नहर ला दी, अरे ये नहर तो किसान सभा के लोगों की लड़ाई का नतीजा है। क्रॉप कटिंग हम चाहते हैं कि एक तो कंपनी का जो उनका भेजा हुआ आदमी है वो आए, हमारे यहाँ सरकार का जो पटवारी है या कृषि प्रवेशक है वो आए, तो उनके साथ जिस खेत में जिस खसरे का जो अलॉट हुआ है उसमें जाएं, सही तरीके से उसमें जो अनाज है उसका निरीक्षण करके, उस अनाज का तोड़ करके और उसका दाना निकाल कर उसको सही तरीके से तोल करके अगर करवाएं तो सही है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, सही तरीके से उनका आकलन नहीं करते हैं, तोल में गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कंपनी वालों को फ़ायदा होता है और कंपनी वाले उनको अपनी तरफ से जो भी उनका निश्चित किया हुआ भाग है वो दे देते हैं और किसान को उसे नुकसान होता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो है इसमें मुख्य आधार था। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से हो, क्रॉप कटिंग करने वाली एजेंसी घर बैठ के डाटा तैयार नहीं करे, खेत खेत में जाके तैयार करे, इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया 2018 में, मैंने और कॉमरेड उमराव सिंह ने 6 दिन भूख हड़ताल की, तब जा कर के हमारे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसके प्रति सजिंदा हुआ। उसके बाद में लगातार यहाँ जब भी फसल का खराबा हुआ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल बीमा क्लेम मिला। सर, इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या पानी की, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, ज़मीन का पानी इस इलाके का एकदम खारा पानी है, आप लोग मुंह में भी पानी नहीं डाल सकते। नहर का पानी, नहर का निर्माण बहुत ही सीमित इलाके में हुआ है और पानी भी बहुत कम मात्रा मिलता है। करीब 2021 में बीमा कंपनी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक अपील पेश की कि यहाँ के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो सही नहीं हुए। उसका परिणाम ये हुआ कि बगैर किसान का पक्ष जाने, बगैर जिले के प्रशासन की राय को जाने, सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पे बीमा क्लेम देने का जो आंकड़ा है वो 7 जुलाई 2022 को किसानों के खातों में जो क्लेम 100 रुपये बनना चाहिए था वो 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये दे करके नक्की कर दिया। उसके बाद में हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ। ये कहते हैं कि नहर लाएंगे, 2,40,000 हेक्टेयर के लिए नहर बनी थी सर, और फिर वसुंधरा की सरकार ने उस टाइम इस नहर को काट के 1,10,000 रुपये रखा। अब ये कहते हैं रकबा जुड़ा दिया। अरे आप वर्तमान में 92,000 हेक्टेयर में इस नहर से सिंचाई होती है, वही थोड़ी मोटी, बचा हुआ रकबा 20,000 का था तो उसी टाइम का था। अब ये झूठा सिरे लेते हैं कि हमने रकबा जुड़ा दिया और ये नहर का जो ये खाला बनाया है, ये रकबा है, ये सिर्फ किसान सभा और कॉमरेड की संघर्ष की बदौलत ये नहर का काम हुआ है सर। लगातार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, इसको लेके हम लड़े, आंकड़े सार्वजनिक करवाए। उसके बाद में क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट में कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल करके हम जनता के बीच में गए और उसका परिणाम है कि लोग हमारे साथ हज़ारों की संख्या में आए, सैकड़ों दिन तक सड़कों पे चूरू की कलेक्ट्री के आगे डटे रहे और लास्ट में जाकर के सरकार को हमारे साथ बैठ करके हमारी बात को मानना पड़ा और ये कहना पड़ा कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से हुई है, फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे ही दिया जाएगा। बड़े नेता हमारे कोई काम के नहीं, ये तो बड़े लोगों का है, ये तो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का काम करते हैं, हम गरीबों का काम नहीं करते सर। मूंग की फसल का MSP नहीं बिक रही है, बाजरा भी नहीं बिक रहा है और हमारी दूसरी मांग है कि इस इलाके के अंदर मोठ होता है, मोठ जिसे पापड़ भुजिया बनती है और बीकानेर का पापड़ तो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है
उसकी कोई MSP नहीं है। ये किस इलाके में गुआर होता है, वो एक कॉमर्शियल चीज़ है जो खाने योग्य नहीं, केवल कॉमर्शियल रूप में काम, उसके भी किसान की कोई उसकी MSP नहीं है। जो लोग हमारे आंदोलन में हमारे साथ आए हैं, जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए लोग जितनी बारीकी फसल बीमा की नहीं समझते होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे खेत में बैठा हुआ किसान समझता है। तो जो बारीकी वो फसल बीमा की संघर्षों के मैदान में सीख करके अपने खेत में लागू करके अपने बच्चों के लिए कंपनियों से लड़ कर के पैसे ले रहा है, वो इस आंदोलन की बारीकी को भी समझेगा और चुनाव की बारीकी को भी समझेगा। काम करने वाले लोगों को वोट देंगे, हमारे तो काम करने वाले लोगों को वोट देंगे सर, 90% वोट कॉमरेड को मिलेंगे हमारे तो, यहाँ 90% बिल्कुल वोट मिलेंगे कॉमरेड, क्यों मिलेंगे सर, वो हमारे साथ में रहते हैं, महीने में 2 बार गांव में आते हैं, सुख दुख की पूछते हैं, बीमा क्लेम की पूछते हैं, नहर की पूछते हैं, पानी की पूछते हैं, बिजली की पूछते हैं, इसलिए हम तो उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं को वोट देंगे सर। देखिए 2018 से लेके अब तक चूरू ज़िले में, पूरे ज़िले में नहीं कहता, यहाँ 8 तहसीलें हैं जिसमें 5 तहसीलों में हमने लगभग 4,200 करोड़ रुपये अब तक पिछले 5 सालों में किसानों को दिलवाए। जो ये चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब कोई भी कार्य हो उसमें सब में भ्रष्टाचार है, ये मिटना चाहिए और जो किसान हितैषी हो उसी नेता को हम यहाँ लाना चाहते हैं। सरकारें कर्जा माफ़ करने का दम भरती हैं, घोषणाएं करती हैं, वादे करते हैं, चाहे मोदी जी का 2014 का वादा हो, चाहे राहुल गांधी का राजस्थान के विधानसभा आम चुनाव 2018 का वादा हो, कोऑपरेटिव में नाम मात्र का राजस्थान की सरकार ने किया, वो भी हमारे किसान सभा के आंदोलन के दबाव में, वो पैसा भी इतना नहीं है जितना हमने फसल बीमा के माध्यम से किसान को दिलाया है। एक और बड़ी किसानों सामने चुनौती है, वो है आवारा पशु। आप देखोगे तारानगर के 10-10 किलोमीटर तक किसानों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है, आवारा पशु इस इलाके की पूरी फसल को चौपड़ कर देते हैं, किसान दिन रात खेतों में रहता है फिर भी उससे बचाव नहीं हो रहा, आवारा पशुओं की इस इलाके की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कहते हैं हम कर्ज माफ़ करेंगे, हमने अपने संघर्षों के बल पे जो ऋण किसान का है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा क्लेम दिला करके हम कह सकते हैं कि हमने 3-4 बार किसान का कर्ज माफ़ कर दिया, लेकिन अकेले कर्ज माफ़ करने से किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक फसलों का भाव नहीं मिलेगा, MSP का कानून नहीं बनेगा, MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कोई भी सरकार ये कहे कि हमारी योजना है, हमारी योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, तो ये कतई सही नहीं है। फसल बीमा पर यहाँ का किसान जागृत है, कंपनियों से सरकारों से भिड़कर कंपनी जो 1,000 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान से प्रीमियम के रूप में लेती है, यहाँ का किसान समझदार रखता है और बीमा कंपनियों से लड़ झड़ कर अपना पैसा ले लेता है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, मुख्यमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन किसानों को फसल बीमा का लाभ वहीं मिला है जहां लाल झंडे के लोग काम करते हैं, जहां अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन है, जहां CPM के लोग लग कर के जनता के साथ मिलकर लड़ते हैं, वहाँ लाभ मिला है। इसलिए इसमें मुख्यतः जो योजना बनी है वो कॉरपोरेट घरानों के ऊपर फार्मर वेलफेयर फंड, जिसे सरकारें बजट में प्रावधान करती है, उसको बैकडोर से कॉरपोरेट घरानों और मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर प्रीमियम सब्सिडी के रूप में लुटाने का खेल है। ये लठ तो नेताओं के लिए है सर, जो भी नेता आएंगे ना आटा कांग्रेस BJP के, उनको ये लठ चेपेंगे और काले झंडे दिखाएंगे, क्यों वो काम ही नहीं करते सर, आम आदमी के लिए कोई काम ही नहीं करते। यहाँ पानी की समस्याएं यहाँ है, बिजली की लाइनें देखो आप जगह जगह टूटी पड़ी हैं, मोर मरते हैं, पक्षी मरते हैं, कोई जानवर मरता है, पानी तो यहाँ महीने में 1-2 बार आता है, जो 10-50-60-100 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं आता है, और लाइनें बिछा दी, टंकी बना दी, इन्होंने किया क्या इन्होंने।